हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा और विक्रांत मैसी की नई फिल्म लव हॉस्टल, जो कि पहले थिएटर पर रिलीज होने वाली थी, अब ये सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। लव हॉस्टल को आपको बता दूं कि पठान का साथ मिला हुआ, यानी कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के बैनर तले बनाया जा रहा है। शाहरुख खान की कंपनी के बैनर तले इससे पहले बॉब विश्वास भी बनाई गई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह लीड रोल में थे। इसे Z5 पर रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब लव हॉस्टल Z5 पर ही रिलीज होगी। हालांकि अभी रिलीज डेट तय नहीं की गई है, लेकिन इसे अगले महीने यानी कि फरवरी में ही रिलीज किया जाएगा। वेल, पोर्टल की बात माने तो बॉक्स ऑफिस अभी भी रिकवर कर रहा है, और लव हॉस्टल ऐसी ही फिल्म है जो कंटेंट पर चलेगी, इसीलिए मेकर्स ने इसे OTT पर लाने का फैसला किया, ताकि ऑडियंस अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे एंजॉय कर सके। सोर्स ने आगे कहा कि बॉब विश्वास की तरह लव हॉस्टल से भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। लव हॉस्टल, जिसमें बॉबी देओल हाईलाइट में होंगे। वेल, जब से वो आश्रम सीरीज से एक्टिंग में लौटे हैं, तब से फैंस उन्हें देखने के लिए इंतजार करते रहते हैं, इसीलिए उनके बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी नजर बनी हुई है। लव हॉस्टल को गौरी खान, मनीष मुद्रा, गौरव वर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि शंकर रमन ने इसे डायरेक्ट किया है। बॉबी देओल लव हॉस्टल के अलावा अपने 2, आश्रम 2, पेंटहाउस और एनिमल नाम की फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं। वेल, आप कितने एक्साइटेड है बॉबी देओल के कमबैक के लिए, क्योंकि जिस तरह से वो फिल्में आजकल कर रहे हैं, लग रहा है कि उनका समय आ चुका है। इस बारे में आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।